पानी भी है, पहाड़ भी है, एक अच्छा सा पार्टनर भी है, बोल के इतना सारे खा चुकी है, उसको स्वीट डिश भी चाहिए। मेरे पास एक काम करो, टिश्यू ना चाशनी में डुबो के ले आओ, उसको खिला दूंगा। रूफटॉप रेस्टो है ये जिम कॉर्बेट में, मस्ट विजिट, इट्स अमेजिंग। एंड ये क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट से व्यू है, पूरे रिवर का पूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम्स हैं। HU में रुके हैं हम, तो हमारा लोकेशन उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे भी हो गया, कुछ एक्टिविटीज नहीं करी अभी तक हमने, बट दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। बहुत सारे पेड़ पौधे और ये दिख रहे हैं। दो लोगों के लिए अच्छी होता है, स्टूडियो या फिर बेडरूम में अगर रुकते हैं तो उनसे बेटर व्यू है, स्विमिंग पूल और रिवर व्यू है। खैर जो भी हो, रिजॉर्ट की फैसिलिटीज़ तो सब लोग एंजॉय कर ही सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मचान में ब्रेकफास्ट करने, बूफे लिया है हमने, लगभग 1700-1800 रुपए में डिनर और ब्रेकफास्ट का कॉम्बे पर पर्सन हमें पड़ा है। बहुत सारी वैरायटी एंड ऑप्शंस हैं। वाइट चटनी चाहिए, वाइट चटनी के साथ ऑमलेट कौन खाता है? मेरे को तुम वाइट और इसी में इस प्लेट में वो ले आओ, वाइट और रेड चटनी। ये लड़का वाइट और रेड चटनी खा रहा है ऑमलेट के साथ, मशरूम वाले स्टफ्ड ऑमलेट के साथ। वाइट चटनी मतलब कोकोनट वाली चटनी। खैर यहाँ पे बहुत सारे जूसेस के ऑप्शंस हैं, सारे हेल्दी अनहेल्दी सब ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये फ्राइड पोटैटोज़ है, पोंगल है, पराठा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी छोले और अमृतसरी कुलचे हैं। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस रोज़ बदलते रहते हैं बट कुछ सिमिलर ही रहते हैं। पोंगल है, साबुदाना वड़ा अवेलेबल था, देन अब इडली है, सांभर है, लाइव काउंटर पे सांभर के साथ के लिए मसाला डोसा मिल जाएगा, बॉइल्ड एग्स हैं, देन यू हैव पैनकेक एज वेल विद मेपल सिरप, मफिन्स, केक्स वगैरह ये सब रखे हुए हैं स्वीट डिश में। एंड देन बहुत ही टेस्टी से छोटू छोटू से गुलाब जामुन रखे हुए हैं आज के मेन्यू में। फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड्स ये सब तो है ही लाइव काउंटर में, मसाला डोसा, ऑमलेट, इस तरीके की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। कुछ अच्छा सा बोलो, कॉन्टेंट कॉन्टेंट कैसा ब्रेकफास्ट लगा? कंटेंट कंटेंट ब्रेकफास्ट कैसा था? कंटेंट कंटेंट ये वाला एरिया अच्छा है ना, यहाँ पे मचान में, यहाँ पे बाहर बैठ करके, यहाँ से फिर ये सारा का सारा व्यू है, से पूल वाला। इस पे फोकस करना, ये रूम्स है लोगों के, यहाँ पे इतने बढ़िया से हट्स वाले बने हुए हैं और ये वाले रूम सबसे अच्छे होते हैं 1BR और स्टूडियो वाले। यहाँ से ना पूल एक्सेस है डायरेक्टली और फिर पीछे की तरफ वहाँ पे वो दिख रही है रिवर, और यहाँ से हम अगर खाना खा रहे हैं बैठ करके तो हमें पूरा माउंटेन वाला व्यू दिखेगा। 3-star होटल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स। खाना खाने की लोकेशन बहुत सही बनी हुई है। एक बार पहले की बात है, मैं इस पर्टिकुलर रूम में रुकी थी, 1BR है ना, तो 4 लोगों का है, फैमिली के साथ आई थी जब मैं शादी के पहले, तो यहाँ से डायरेक्टली ऐसे मैं पूल में गई थी, अच्छी सी मैंने रील बनवाई थी पूरी। रूम का फ्रंट साइड ऐसा है, साइड में ये चेस्ट बने हुए हैं, बैक साइड में रिवर है, बैक साइड में भी सीधा डोर खुलता है रिवर एक्सेस के लिए, राफ्टिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगता है मॉर्निंग टाइम में ऐसे रिवर देख के विद माउंटेन्स, बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल सा फील होता है। रिवर्स के पास में आप मॉर्निंग टाइम में योगा कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे फोटोज़ एंड वीडियोस, रील्स ये सब बना सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ मुझे इतनी सही नहीं लगी कि यहाँ से ना रिवर में हम डायरेक्टली उतर नहीं सकते। कुछ रिजॉर्ट्स तो यहाँ पे इतने अच्छे हैं जिम कॉर्बेट में जिनमें आप एक्चुअली रिवर में उतर सकते हैं सीधा। बच्चों के साथ आप आते हैं तो झूले वगैरह भी हैं, झूलने के लिए एक्टिविटी हब तो होता ही है। मंकीज भी हैं रिजॉर्ट में, बहुत सारे कूदते घूमते रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं पर वो अभी तक हमें तो कुछ नहीं कहा, हमारे तो रूम भी इनके पास में थे। पहली बार तो देखे हमें, क्यों पहले भी तो थे जब हम आए थे, तुम्हें दिखे थे? हर बार तो बहुत बार दिखते हैं, इस बार बहुत कम दिखे हैं। यहाँ पे खेलने के लिए है, क्या क्या खेलने का? बैडमिंटन ही लग रहा है, यहाँ पे वॉलीबॉल के, हाँ दोनों बैडमिंटन है। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स भी तो है यहाँ, और ना प्रो लाइन से बनी हुई है ऊपर, एडवेंचर एक्टिविटी वाला वो भी है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे चल के चढ़ के जाने के लिए, ये जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, हाँ जो एडवेंचर एक्टिविटी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, ये इन्होंने ऐसे एडवेंचर वाले के लिए बूथ पे एंट्रेंस दे रखे हैं। ऐसे यहाँ पे ATV राइड, साइकिलिंग है, पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब यहाँ पे ATV राइड, साइकिलिंग, राफ्टिंग ये सब है, झूला है, राफ्टिंग सही है यहाँ की, बढ़िया झूला सी। यहाँ पे रोज हैप्पी हब का कुछ ना कुछ डेली की एक्टिविटीज रहती है, डांस क्लास, तंबोला, कार्निवल नाइट,
यहाँ पे अंदर को कुछ एयर हॉकी वगैरह सब गेम्स हैं, दिखा देती मैं अंदर जाके बटा हुआ मिले टाइम कम है थोड़ा। आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रही है। दिन के टाइम में एक्टिविटी हब में कुछ गेम्स खेलने के लिए होती है, जैसे यहाँ पे अभी लूडो रखा हुआ है, एयर हॉकी है, कैरम है, कुछ नॉन पेड होगा ही, कुछ पेड वाली भी होती है, टेबल टेनिस वगैरह भी है। एंड रात को तो यहाँ पे रोज़ फ्री वाली बढ़िया सी एक्टिविटीज़ चल रही होती है। और ये कुछ पैकेजेस हैं जो आप ले सकते हो। टेबल टेनिस तो फ्री वाला ही गेम है, तो हम लोग ये वैसे ही खेल रहे हैं। मुझे तो आता नहीं है, तो शुभम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं सीख पा रही हूँ। 1000 रुपये का और 1500 रुपये का पैकेज है एक्टिविटी हब में, जिसमें आपको 10 एयर हॉकी और बहुत सारी और बहुत कुछ मिल जाएगा गेम्स खेलने को। तो सही है, बढ़िया पैकेजेस भी हैं। पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए भी ये देखो यहाँ पे करके भी रखी हुई है, काफ़ी कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी करी हुई है। पेड़ वाली है तो सारी 400-500 रुपये कुछ ना कुछ, बट काफ़ी कुछ है करने के लिए। तो बस ज़रा सा आगे चल करके यहाँ आ गए तो यहाँ पूल है, ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के चले जाएंगे तो मचान रेस्टोरेंट है, इधर ये स्वास्थ्य स्पा है। और बस थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो यहाँ पे ये 1 बेडरूम वाले जो 4 लोगों के रूम्स होते हैं या फिर स्टूडियो वाले रूम्स होते हैं ना, ये भी आने शुरू हो जाते हैं। एंड रूम तो कोई भी हो, रिजॉर्ट को तो कोई भी कितना भी कैसे भी इंजॉय कर सकता है। ये देखो इधर आओ, इधर आओ। मौसम भी बढ़िया है यार, सितंबर एंड अक्टूबर से मतलब बढ़िया वाला शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे ये बैठने के लिए ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, बारबेक्यू वाला बूफे होता है यहाँ पे, अनलिमिटेड वाला। थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लो, फूड वाले लोग डिस्काउंट दे देते हैं। मेरे पापा ने भी पहले लिया था, मेरे पति ने भी बढ़िया वाला डिस्काउंट दे दिया। खेलने वाला नहीं है, बट ये ऐसे शो वाला चीज है। अरे तो उनके हां तो वाइट ने ब्लैक को हरा दिया, वाइट ने ब्लैक को हरा दिया। ये वाले रूम्स की लोकेशन देखो कितनी बढ़िया है। कहां है देखो, ये वाले दोनों कहां गए, कहां गए, ये रहा। हाँ ये पूरे में यहाँ पे रूम्स ही तो हैं, इसमें 1 बेडरूम और स्टूडियो में, उतरते ही सीधा पूल आ जाएगा और पीछे की तरफ वो रिवर आ जाएगी। हाँ तो स्टूडियो और 1 बेडरूम फैले हुए हैं ना यहाँ पे, किसी को यहाँ मिल जाएगा किसी को वहाँ, वो तो बाय चांस वाली बात है। अब ये देखो, 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 वो देखो। अरे एक बंदा गायब हो गया, पूरी यहाँ पे रिवर चल रही है जहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करके यहाँ से निकल के आए हैं। बढ़िया थी राफ्टिंग का एक्सपीरियंस भी, काफ़ी अच्छा रहा हमारा यहाँ पे, ज़्यादा डरावना नहीं था। बस एक आधे लोगों की राफ्ट वो पलटी थी हल्की सी, और वो भी कुछ ऐसे कुछ हुआ, किसी को कुछ दिक्कत वाला कुछ नहीं था, और हमारी तो बिल्कुल सेफली इतने मज़े से गई है, बढ़िया थी। चप्पू क्योंकि अच्छे से चला रहे थे। हाँ मैं तो कम चला रही थी, पर जब जब ज़रूरत होती थी मैं भी चला लेती थी, जोर लगा देती थी, तब मेहनत लगती है भाई। हम भी अब थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं यहाँ पे। पानी भी है, पहाड़ भी है, एक अच्छा सा पार्टनर भी है, परफेक्ट प्लेस फैमिली के लिए, कपल के लिए बहुत अच्छा है। आई एग्री, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कंटेंट मेनों ने अभी। थैंक यू, आई एग्री। रिजॉर्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं तो जंगल सफारी वगैरह के लिए बुकिंग आप करा सकते हैं। ऊँट है यहाँ पर, हाथी है, राइड्स के लिए है। एंड देन सारा दिन तो हमने ऐसे ही निकाल दिया, ऑफिस चल रहा था, कभी कुछ चल रहा था, हम पूल भी नहीं जा पाए, हमने कुछ भी नहीं करा लिटरली आज। बट हमने कल करे पर राफ्टिंग सुबह सुबह का बुक करा लिया, 7 बजे का। अच्छा 7 बजे का, 6 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा। और अभी हम फिर बाहर जा रहे हैं डिनर विनर करने, अब हम और क्लब में खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत महंगा यार यहाँ पे अला कार्टे, तो मेन्यू देख के हिल गई मैं, इतना मन कर रहा था स्नैक्स ऑर्डर करने का, 800 रुपये की कोई नॉर्मल सा स्नैक, 600-700 का सैंडविच जमैकन इसकी फेवरेट है, इसलिए ठंडी है, मैं पी रहा हूँ, जब गर्म हो जाएगी तो एक गुड इसको दे दूंगा। ये टेस्टी फ्लेवर होता है क्योंकि मेरा गला ठीक कम है। चलो चलते हैं। विलेज वाटिका आए हैं हम लोग। ऑल आईज ऑन अस, सिंस वी आर ट्विनिंग, अब देखना ऑल आईज विल बी ऑन अस। विलेज वाटिका रेस्टोरेंट कैफ़े है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बाहर से लाइव म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, रूफ टॉप पे भी है, बट क्योंकि हम लोगों ने रिजर्वेशन नहीं करवाई है तो रूफ टॉप पे हमें टेबल नहीं मिली है, हमें पता नहीं था इतना ज़्यादा चलता होगा।
बट एक बार सोचा कि चलो देख करके आते हैं, रूफ टॉप पर चक्कर मार के आते हैं, दिखा देते हैं आप लोग का, आप लोग को कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है एंड लाइव म्यूजिक भी चल रहा होता है वीकेंड्स पे, सो तो गुड थिंग। बट हाँ, हम लोग अब जा रहे हैं नीचे बैठने के लिए। नीचे भी खैर बहुत सुंदर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी स्वीट कॉर्न सूप है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। पानी नहीं पीते हम, साइड कर दिया। क्या खा रहे हो? कॉर्न सूप, गाजर, स्प्रिंग अनियन पानी में डाल के। बढ़िया ना, ऊपर यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा, हम नीचे बैठे क्योंकि हमने बुकिंग नहीं कराई थी, रिजर्वेशन करानी पड़ती है। अब प्राइसेस कम थे तो हमने सोचा क्वांटिटी भी कम आएगी, फिर हमने नूडल्स भी मंगवा लिए, बट सूप भी बहुत सारा था, नूडल्स भी बहुत सारे एंड हमने तो डिनर भी ऑर्डर कर रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर कम प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है, नूडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले हैं, वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं इधर। अब हमने ऑर्डर किया है चिकन करी, जो कि काफ़ी एग्जॉटिक और बढ़िया सा दिख रहा है। जीरा राइस तो ऐसे ही नॉर्मल से है, ये नहीं करने चाहिए थे ऑर्डर। बटर नान भी अच्छा है यहाँ पे, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है चिकन करी, कांट वेट टू ट्राई दिस। कैसा टेस्ट है? तुम्हें तो पता ही है मैं खाने की बुराई नहीं करता, बट ये गुड है। ऑनेस्ट रिव्यू अगर हमें किसी को बताना हो यहाँ पे आना चाहिए या नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या बढ़िया ग्रेवी है, मज़े आ गए, वेरी नाइस। चिकन करी ऑर्डर करी हमने, काफ़ी एग्जॉटिक चिकन करी है, बढ़िया वाली, नॉट वेरी सिंपल। टिशू खाओगी क्या? गंदा टिशू हो गया। ज़्यादा नहीं बोल रही मेरे से। मेरी स्वीट डिश ऑर्डर करो आप। ज़्यादा नहीं बोल रही मेरे से। मेरी स्वीट डिश ऑर्डर करो भैया। बोल के खा चुकी है, उसको स्वीट डिश भी चाहिए। मैं कहा पूरा टिशू ना चाशनी में डुबो के ले आओ, उसको खिला दूंगा। हो जाएगा भैया, चाशनी में टिशू डुबो दो, उसको खिला देता हूँ। आप लोगों की लोग नहीं 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 वेरी नाइस फूड, इतनी ज्यादा क्वांटिटी है भाई, कम मंगवाना। गुड क्वांटिटी, एक फुल कोई भी चिकन का आइटम, मुझे बटर चिकन है, कढ़ाई चिकन, तवा चिकन, फुल चिकन में 6 पीस है एंड गुड साइज, बड़े 6 पीस, ऐसा नहीं कितने पे दे। हाईली रिकमेंडेड दिस प्लेस, टेस्टी खाना है बहुत, और लाइव म्यूजिक भी है ऊपर। तो कहां पे है? जिम कार पे, कॉर्पोरेट नहीं है बट टेक्निकली डिकुली 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 क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट से 1 किलोमीटर पहले होगा। बोल इतनी गंदी, लो बनाओ वीडियो बना रही हूं मैं, खा लूं वीडियो बना रही हूं, बना लो बना लो बना लो बना लो। ब्राउनी विद आइसक्रीम का भी काफी ज्यादा अच्छा वाला टेस्ट है। सो बेसिकली बस यही है, दिस इज अबाउट द रिसॉर्ट, काफी अच्छा है। अब हम थोड़ी फोटोज खींचते हैं रिवर के पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू #couple